नमस्कार, आज का हमारा मेडिकल टर्म है बाइक्रिल सूचर। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। बाइक्रिल सूचर, जिसको कि पॉलीग्लैक्टिन 9-10 भी कहते हैं, इज़ एन एब्जर्बेबल सिंथेटिक यूजुअली ब्रेडेड सूचर। ये एब्जर्ब हो जाता है, सिंथेटिक होता है और ब्रेडेड सूचर होता है यूजुअली। बाइक्रिल इसका ब्रांड नेम है। बाइक्रिल इज़ यूजुअली वॉयलेट इन कलर। ये वॉयलेट कलर का पाया जाता है या वॉयलेट कलर का होता है जनरली। बाइक्रिल इसको पॉलीमर ऑफ 90% ग्लाइकोलाइट एंड 10% एल लैक्टाइट। बाइक्रिल क्या होता है, को पॉलीमर होता है किस किस का, एक तो ग्लाइकोलाइट 90% का और एक एल लैक्टाइट 10% का। बाइक्रिल सूचर्स आर इंडिकेटेड फॉर सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन एंड लाइगेशन। बाइक्रिल सूचर्स जो हैं वो इंडिकेटेड होते हैं सॉफ्ट टिश्यू के अप्रॉक्सीमेशन के लिए, उनको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए और लाइगेशन के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लाइगेशन के लिए। इट इज़ इंडिकेटेड टू यूज़ इन जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑफ्थाल्मिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, एपिजियोटॉमी, यूरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेराइटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स। ये इंडिकेटेड होता है, मतलब कि ये यूज़ किया जाता है जनरल सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में, ऑफ्थाल्मिक मीन्स आई से रिलेटेड सर्जरी में, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एपिजियोटॉमी, यूरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी एंड गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी और पीडियाट्रिक्स पे। इट इज़ कम्प्लीटली एब्जर्व बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस विद इन 56 to 70 days। ये कम्प्लीटली एब्जर्व हो जाता है 56 से 70 दिनों के अंदर। कौन सी क्रिया द्वारा, ये क्रिया है एसिड हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।